माता बहन के साथ गलत नहीं करो, उन्होंने पूरे देश और दुनिया को बताया। और ऐसी महिला को सजा मिली, सजा मिलने के बाद 10 साल के बाद बाहर निकली, दो बार उत्तर प्रदेश में सांसद बनी, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रही, लोगों ने उनका हत्या कर दिया। उसके बाद तकरीबन 30 साल के बाद, 25-30 साल के बाद हम लोगों ने सोचा 2022 में कि वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। 2021 में बिहार में तो हम लोगों ने भरपूर अच्छे तरीके से मनाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने निर्णय लिया कि हर मंडल में एक प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे। लेकिन समंतवादी विचारधारा जो होता है, समंतवादी विचारधारा जो सोच होता है, उसका सोच होता है दबे कुछ लोगों को अपने पैरों तले दाब के रखना, वो सर उठा के ना जी सके, सम्मान के साथ आगे ना बढ़ सके। और जब मैं उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी को प्रतिमा पे माला चढ़ाने के लिए गया, तो वहां की सरकार ने, आप सबको पता होगा कि उन्होंने रोक दिया, एयरपोर्ट से ही हमें कलकत्ता भेज दिया। एक हमारे बहन माता फूलन देवी का माला पे, प्रतिमा पे एक माला चढ़ाने के लिए दे दे रहा है, तो क्या हम आजाद है? इस आजाद भारत में हमारे पूर्वज ने ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल संघर्ष किया, फिर देश आजाद हुआ। और इस आजाद भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबके लिए संविधान बना के दिया, क्या उस संविधान का पालन हो रहा नहीं? क्या मुझे आजादी से जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसलिए साथियों आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और आपको जीना है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर धरती पर अगर खाने के लिए अगर पैदा हुए हो तो तुम आज ही मर जाना चाहिए, अगर धरती पर आए हो तो कुछ करके जाओ, सब जाओ। तो साथियों आज हमारा समाज कहां खड़ा है कि हम अपने वीरांगना फूलन देवी को प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए इस राज्य देश में नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए साथियों मैं चाहूंगा कि अपने बारे में मैं पहले अपने आपको बताऊं, एक गरीब मछुआरा परिवार में जिनका जन्म लिया, दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, लोगों के जिस घर में हजारों समस्या होता है ऐसे जगह पे मेरा जन्म हुआ। हर बचपन हर तरह का भाव में मैंने बिताया, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने बच्चे दोस्त भाई के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं 18 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपए रोज से मैं मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत लगन के दम पर मैंने हार नहीं माना, मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ा और कुछ ही समय में मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया, बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा था, महंगे से महंगे गाड़ी में घूम रहा था। जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा गरीबी को मुझे पता था, लेकिन मैं बॉम्बे जाने का थोड़ा भूल गया था। जब मैं बिहार में आके देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के घर नहीं है। और मैंने 2014 से निर्णय लिया कि नहीं, अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष करूं। और मैंने 2014 से लगातार बिहार में अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं साथियों। और इस संघर्ष में पूरे बिहार के एक एक निशा का बेटा मजबूती से मेरा साथ दे रहे हैं। और हम लोगों ने और पार्टी के जितने भी नेता है सबको गर्व करना चाहिए कि आजादी के 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया वो हम सब मिलकर वो काम हम करने का काम किए साथियों। हमने लड़ाई लड़ा, हर जगह अपनी ताकत को दिखाया, हमारी हार में भी हमारी जीत हुआ है। हमने जब मुजफ्फरपुर में बचाव में लड़ाई लड़ा, भले हम चुनाव हारे
लेकिन 30,000 वोट मिला और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुए, हमने लड्डू बांटने का काम किया। देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ अन्याय। हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा, हमारे एक भाई को उत्तर दिल्ली में आरक्षण मिल रहा, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। ये काम किनका है? ये सरकार का काम है। और मैं लाठी डंडा खा रहा हूं, मार खा रहा हूं, धक्का खा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। चुनाव का समय आता है, मीठी मीठी बात करेंगे, वोट ले लेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो साथियों, अब जरूरी है हमें लड़ाई लड़ने का। हमने 7 दिन तक अनशन में बैठा। पहला दिन तो हमारे मीडिया भाई आए, मुकेश सैनी अनशन में बैठे दिखाए, दूसरा रोज तो हमारे मीडिया भाई भी चले गए। पहला दिन नेता लीडर भी आए, वो समर्थन दिए, और दूसरा रोज से नेता लीडर भी गायब हो गए, इसलिए कि मुकेश सैनी को नहीं हीरो बनाना है। मैंने 7 दिन तक अनशन में बैठा रहा, कई समस्या लेके बैठा रहा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई सुनने के लिए नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि लोग कैसे सुनेंगे, जिनको सुनाना है, जिस जगह पे लोग हैं उस जगह पे तो हम ही पहुंच सकते हैं, सिर्फ उनसे काम करेंगे। जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने काम किया, श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने काम किया, जैसे हमारे बहन मायावती जी ने काम की, क्या काम किया? दल बना तो उसको बल मिला, अच्छा बल मिला तो उनके हर समस्या का हल मिला। तो हमने भी निर्णय लिया कि हम भी दल बनाएंगे, और हमने दल बनाया। और हमारे तमाम यहाँ पे मंच में बैठे हुए सभी नेता दिन रात एक करके मेहनत करके और गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को लाके दिखा दिया कि निशान का बेटा सब एक दल के साथ और अच्छा की पार्टी के साथ। इतना बड़ा शक्ति देखकर, इतना बड़ा ताकत देखकर बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया। और एक हफ्ते के अंदर में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बुला के 3 लोकसभा सीट पे गठबंधन किए और साथ लेके चलने का काम किया। हम लोगों ने साथ में लड़ा, लेकिन जितना शक्ति आपको दिखाना था आपने गांधी मैदान में दिखाया, आप शायद 2019 के चुनाव में आपने नहीं दिखा पाए। आज अगर 2019 के चुनाव में वो ताकत दिखा देते तो शायद आज इस तरीके से हमें इस मंच पर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आपने खूब पसीना बहाया, लेकिन जब फसल काटने का समय आया उस समय आपने फसल नहीं काटा। आप भी तो लोकसभा सीट हार गए। महागठबंधन में भी लगने लगा कि मुकेश सैनी के पास वोट है या नहीं है। फिर एक अग्नि परीक्षा आया सहरसा में, फिर वहां पे हमने अग्नि परीक्षा देकर अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और दुश्मन को मैंने वहां पे हराया। तब फिर एहसास हुआ कि हमारे पास वोट है। फिर भी उनके मन में संशय था। तब 2020 का चुनाव आया तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सीट का घोषणा नहीं किया, उनको लगा कि हमारे साथ वोट नहीं है, गलतफहमी का शिकार हो गया। अच्छा, मैं गठबंधन से बाहर निकला, अच्छा दूसरे गठबंधन में मैं चला गया, तो पहला जिस गठबंधन में था वो बिहार का सीएम बनने से 10 कदम दूर रह गया। अगर मैं रहता तो 10 कदम दूर नहीं रहते, 100 कदम आगे रहते। उनको भी मैंने अपनी ताकत दिखाया और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे। तो अगला तो लगा उन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सैनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में ना जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय आएगा इसके एक मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा, इसको खत्म करो। उनको मुकेश सैनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था, भीम बेटा मनिया भरा चाहे जितने भी हमारे उपजाति है उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पर खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपके खत्म करने का काम किया, आपका 4 विधायक ले लिया, आप जहां चुनाव जीते थे वहां कैंडिडेट दे दिया,
आपके विधायक को खरीद लिया और आपको सरकार से बाहर कर दिया, तो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमारे पास भी बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जिब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगा पूरन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ सरदारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था, आपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में, हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है, इसमें हाथ तोड़ा करने की क्या बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरे बांध में तो झांको कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया, आपने हमारे विधायक को तोड़ दिया, हम लोगों ने आपके तहत्तर विधायक बनाने दिया और उसके बदले हमने 4 विधायक बनाए। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते, आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते, हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे एक नंबर साथी बने। लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आए, इसलिए साथियों हम सबको लड़ना था। हम सरकार में थे तभी भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और बच्चों के सामने लड़ाई लड़ा, तो हम आने वाले समय में भी हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आया, हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आया हूँ, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ, बिहार इस सर उठा के दिए और बिहार के हिसाब से सर उठा के दिए वो करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, सिर्फ जरूरी है कि आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने नेता के साथ, अपने समाज के साथ हैं या नहीं। इसलिए साथियों, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में गोड समाज के लोग, गोड़ी ना, गोड समाज के 35 साल से लड़ाई लड़ रहे थे उनको एससी के सूची में शामिल करने के लिए। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस स्टेट में गए और 1 दिन में उस समाज को आरक्षण लागू कर दिए कि वो संघर्ष कर रहे थे। और वहां पे चुनाव का समय है, 8 लाख वहां पे संख्या है, उनको 2 रोज पहले वो एससी की सूची में शामिल हुए। हमें भी वही करना है, ओबीसी से निकालना है और एससी की सूची में जा डाल देना है। हमें पूर्वक आरक्षण मिला हुआ है, ये काम 12 घंटे में हो सकता है, 24 घंटा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्य सरकार एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के भेज चुका है और यही समय है अपनी ताकत को दिखाइए। आज वीआईपी पार्टी जितना बिहार में मजबूत है, इससे कम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, खासकर के पूर्वांचल में, झारखंड में भी कई जिला में हम मजबूत हैं। हम जिनके साथ दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। अगर 60 लोकसभा हारेंगे उनका दिल्ली का सपना चूर चूर हो जाएगा, दिल्ली से वो भाव उतर जाएंगे, कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, संकल्प यात्रा पे 100 दिन के लिए यात्रा पे हम कल से निकल रहे हैं। 3 नवंबर तक हम संकल्प यात्रा करेंगे और 4 नवंबर को
पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे, 5 साल का स्थापना दिवस मनाएंगे और दीपावली मनाएंगे और छठी मैया का पूजा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आप हमारा आरक्षण दे दीजिए, आप हमारा आरक्षण दे दीजिए, आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई समझौता नहीं। अभी हमको दिल्ली में कैड बोर्ड का बैठक हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हमको न्योता नहीं देना चाहते हैं, हमको को पैर धोने के लिए तैयार है कि हम सारी लेकिन हमने सीधा कहा नहीं, हम अगर आपके साथ आएंगे तो हम अपने कंडीशन पर आएंगे, आपके कंडीशन पे नहीं आएंगे। हमारी हर बात को माननी है तब हम आपके साथ आएंगे, वरना आपके साथ नहीं आएंगे। पूरा भाव फैला के बैठा है कि आप हमारे साथ आइए। अच्छा दोस्तों और सीट भी दे रहा है, बहुत कुछ देने का बात कर रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। बीच बीच में धमकी भी दे देते हैं, वो धमकी ये देते हैं कि बात मेरा मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो आपके जैसे वो नेता खराब कर देंगे। बोला कर दो भाई, हम भी वही चाहते हैं कि हमारा समाज का बेटा काम क्यों ना रखे, हमारा समाज का बेटा तो प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने हमारा एमएलसी नहीं दिया और किसी निशान को बेटा दे दिया तो हमको कोई तकलीफ हुआ? चलो ये तो करना चाहिए, मेरा भी लौटाना चाहिए उधार और उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि मेरा छीन कर अपने समाज के बेटा को दे दिया और रहा उनको नेता बनाना, बनाओ ना, आप समाज का आरक्षण दे दो, हम आपकी बात मानेंगे। तो कभी कभी ऐसा धमकी देता कि आपकी जगह नेता खड़ा कर देंगे, विधान परिषद में एक नेता बना देंगे विरोधी दल का। उसके बाद कभी कभी कहते हैं कि आपका समाज तो वोट बेच देता है, ये भी बात सही है, कुछ हद तक वो जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत हद तक साफ हो चुका है, पहले हमारे लोगों पे थप्पा लग चुका है कि निशान समाज का लोग वोट बेचता है, लेकिन अभी बदल चुका है, ये उनको नहीं पता। उनको लगता है मेरे पास पैसा है, जब चुनाव का समय आएगा हर पंचायत में पैसा भेज देंगे और नेता को वोट को खरीद लेंगे, क्योंकि आज तक वो यही करते आया है। और जो करते आया है और जो बिकने वाला है तो उनको पता है, बिकने वाला चीज है आज 500 में बिक रहा था, अभी ज्यादा ज्यादा 1000 ले लेगा, 2000 ले लेगा, तो उनको यह एहसास है कि निशान का वोट बिक जाएगा और हम खरीद लेंगे। लेकिन हम भी बिहार में मछली मारने वाले का बेटा है, भले मछली नहीं मारे हैं लेकिन हमको पता है कि कैसे मछली मारा जाता है। हम 4 तरह से मछली मारते हैं, एक तो बड़ा जाल लगाते हैं, बड़ा जाल से निकलते हैं, बीच बीच में कहीं से कोई निकल गया, जब निकल जाता है तो छोटा जाल से निकालने का कोशिश करते हैं, उससे भी बीच बीच में बच बच गया, फिर हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, उपछा कर देते हैं, पूरा पानी निकाल देते हैं। अगर पूरा पानी निकल जाता है तो एक एक मछली को उखड़ा के टोकरी में रख देते हैं। तो हम लोग वो लोग हैं जैसे दशरथ मांझी ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आने वाले समय में हम अपने दुश्मन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, उनको एक गलत फहमी है कि निशाद का बेटा वोट भेज देता है, उनके नेता को खरीद लेते हैं, 2 लाख 3 लाख दे देते हैं, 50,000 दे देते हैं, मेरे पक्ष में काम करने लगता है। और अभी बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा आएगा आप लोगों को, और हम देख रहे हैं कि बहुत नेता पे दूरा डाल रहा है। एक मेरा मित्र है,
बैठक में जाना आना करता है तो सोचा सहनी जी नहीं पट रहा है तो उनको ऑफर कर दिया कि हम आपको लोकसभा लड़ा देते हैं, आप ऐसे भी सहनी जी को पटा लीजिए। तो ऐसा भी करने के लिए आएंगे। तो अभी आप सभी का, हम सभी का कर्तव्य बनता है। हमने निर्णय लिया यूपी बिहार झारखंड में 50 लाख विसाद को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराना है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। आप अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो, आप अपने नेता के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, आप अपने नेता के साथ बात मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो, मानना चाहते हैं। इसके लिए 50 लाख निषाद का बेटा को जिस तरीके से गांधी मैदान में भरने के लिए आप लोगों ने दिन रात एक कर लिया, उसी तरीके से आज के बाद हर रोज हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में एक एक घर पे जाइए, एक स्टिकर चिपकाइए दरवाजा पे, हर घर 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 संकल्प अभियान, हर चौक चौराहा पे जहां निषाद की बस्ती है वहां पे संकल्प भी कराइए कि मुकेश सहनी सरदार अल्लाह हमारे लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, आप उनके साथ हो या नहीं हो, जो साथ है उसको संकल्प करवाइए, जो साथ नहीं है उसको बोलिए साइड में बैठ जाइए, ताकि हमको भी पता चल जाए कि निषाद क्रांति जब निषाद के हक अधिकार की बात हो रहा था, निषाद के बच्चे के भविष्य की बात हो रहा था, उस समय में किसने हमारा साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया वो हमें पता चल जाएगा। और एक एक आदमी से आप किनको मानते हैं, बाबा केवल महाराज जी को मानते हैं तो बाबा केवल महाराज का कसम खाना है, संकल्प करना। आप अगर राम को मानते हैं, प्रभु राम को, तो उनका कसम खाना है। वेद व्यास जी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। आप अगर चुप्पा स्वामी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। और आप अपने माता पिता पूर्वज को साक्षी मान के संकल्प लेना है कि हम अपना वोट बेचेंगे नहीं, हमारा वोट वहीं जाएगा जहां हमारा नेता कहेगा, हमारा दोस्त जो होगा उनके वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको वोट नहीं देंगे, तब जाके आपका कल्याण होगा साथियों। अभी मैं एक उदाहरण है, पैम्फलेट आपको बटा होगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। 2018 में राजस्थान में चुनाव हुआ, सना मल्ला मुकेश सहनी बीएसपी पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान में चुनाव हुआ 2018 में, मोदी जी 2014 में आए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार देश में सरकार बना और भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे जग जाहिर है, उस संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस का सहयोग होता है और आरएसएस में हर घर जाति घर के लोग हैं, वो सामाजिक काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो भाजपा को ही मदद करता है। जैसा बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में सभी जाति के लोग हैं, हमारे इधर ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, कैंट है, यादव है, मुस्लिम भाई है, हर जाति धर्म के कुछ भाव मैडम है, सभी जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का रीढ़ की हड्डी कौन है? निषाद समाज। निषाद समाज पार्टी के सदस्य है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, उनको लगता है कि ये पार्टी हमारी है, वो पार्टी के पदाधिकारी है या नहीं है, गांव में बीजेपी पार्टी के लिए झंडा उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते आरएसएस, और आरएसएस का एक ही थ्योरी है, गरीब को गरीब बना के रखो और अमीर को अमीर बना के रखो। पहले जैसे राजा महाराजा के समय में समय था वैसा वो चाहते हैं, वो नहीं चाहता है कि गरीब मछली मारने वाले का बेटा भी देश का बड़ा से बड़ा आदमी बने, वो नहीं ऐसे चाहते हैं, क्योंकि उनका थ्योरी भी नहीं है। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश को, और दो बार उन्होंने कोशिश भी किया ट्रिपल टैक्स के नाम पे और हेडेड एक्ट के नाम पे, लेकिन देश के दलित भाई ने रोड पर उतर गया, सरकार को दो कदम पीछे हटना पड़ा। जब राजस्थान का चुनाव आया तो वहां पे कर्मी सेना और उनके आरएसएस के लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया, 4,70,000 वोट नोटा पे गिरा दिया और भाजपा को 30 सीट कम आया और वहां पे 70 सीट मिला और कांग्रेस की सरकार बना, वहां पे चुनाव हार गए भाजपा। फिर समीक्षा हुआ क्यों चुनाव हारे,
तो समीक्षा हुआ कि हमारा जो कैडर है उन्होंने वोट भी नहीं गिराया और वोट भी नहीं दिया, इसके लिए हारे। जब आपस में समझौता हुआ कि आरक्षण अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो ठीक है सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात को माने और 10% आरक्षण दिए। मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं, मैं भी चाहता हूं जाति जो भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, लाला हो, जो भी जाति हो, अगर गरीब का बेटा है तो स्कूल बना के सरकार का काम है देना, अगर गरीब का बेटा है तो उसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करके देना, अगर गरीब है अगर उसको ऊपर लाने के लिए अगर आरक्षण देने की व्यवस्था है तो आप दीजिए। मैं मना नहीं करता हूं कि तो आपने क्यों दिया, आप दीजिए उनको। लेकिन जो वर्षों से हजारों साल से शोषित है पीढ़ी है उनको क्या? आज हम लोगों को भी हम मांग करके देश में जाति का जनगणना कीजिए, जिनकी जितनी संख्या है उस जाति को उतना संख्या में आरक्षण आप दे दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 50% में 85% को बांट के रखे हैं और 50% जनरल रख दिए, उसमें भी 10% अलग से आपने निकाला है, वो भी 8 लाख कमाने वाले को आप गरीब मान रहे हैं। तो मेरी जो पॉलिसी उनके लिए बना है वही पॉलिसी हमारे लिए भी बनाइए। हम तो ब्राह्मण भूमिहार लाला सभी तो नहीं है, जो आरक्षण उनको 10% दिए वही आरक्षण हमको दे दीजिए, हमको नहीं दीजिए दूसरा आरक्षण, हमारे पास भी वही टैक्स रख दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाला जो लोग है उनको आरक्षण दीजिए, 8 लाख से ज्यादा कमाने वाला है उनको मत दीजिए। लेकिन अगर आप देश के मालिक हैं, देश के गार्जियन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके नजरिया से सबको एक समान मानना की आवश्यकता है और एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन चेहरा देख के तो नहीं पॉलिसी बनेगा, अगर चेहरा देख के पॉलिसी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ 4 आदमी है उनको आप 8 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए और एक तरफ 4 रोटी है उनको 2 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो इसलिए साथियों हमारी ये लड़ाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आरक्षण अगर बंगाल में है तो दिल्ली में है तो बिहार और झारखंड में भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसलिए हम आप सभी को संकल्प करवाएंगे और हम अपने मुसलमान भाई से कहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी से, आप ईश्वर अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी संकल्प यात्रा सफल हो। और जो भी यहाँ पे भाजपा पार्टी के लोग आए हैं, निशा समाज के लोग हैं, आपके पास हाथ में गंगा जल हो गया है, गंगा जल ले लीजिए, ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए और ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। और जब देखेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि अब निशा का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। तो जैसे जैसे सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए गंगा जल का एक बार, उसमें जैसे मैसेज जाए, जैसे जैसे आपके पास आइए तो बगल से पानी ले लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे संकल्प आप लोग कीजिएगा। और हमारे जितने भी नेता है सब अपने अपने हाथ में ले लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और संकल्प लीजिए ताकि आने वाला समय निषाद का बेटा ने अपने पूर्वज का स्वागत खाया है कि निषाद का वोट बेचेंगे नहीं, भाजपा पार्टी का जो दोस्त होगा उनको वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको नहीं देंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है और वैसे वैसे आपको बोल के आप संकल्प लेना है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ाइए, संकल्प में पत्र पढ़ रहा हूँ, आप सब हाथ में गंगा जल है उसको लेकर संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, बाबा केवल महाराज, भगवान निषाद राज गो के सखा, महाराजा गो इंद्राज निषाद के सखा, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा काशी, बाबा जय श्री महाराज, जय श्री महाराज, बाबा कोयला, वेद व्यास, बाबा वेद व्यास, बाबा वेद व्यास, माता कमला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा साहनी, अमर शहीद जुब्बा साहनी, वीरांगना पूरन देवी, वीरांगना पूरन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर, अपने पूर्वज को साक्षी मानकर, हाथ में गंगा जल लेकर, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ, करती हूँ जो महिला है वो करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि अपने
में संघर्ष करूंगा, हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी, अपने पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा, वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। पार्टी को निर्णय लेगी, पार्टी को निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे, उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, अपने पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज के बच्चे को भविष्य को सुधारेंगे, अपने बच्चे भविष्य को सुधारेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे पढ़ा लिखा के कामयाब बनाएंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे। चुनाव के समय में, चुनाव के समय में जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, एक वोट के पीछे लगेंगे, एक एक वोट के पीछे लगेंगे, अपना वोट अपने पार्टी के पास कैसे जाए उसके लिए सुनिश्चित करेंगे, अपने पार्टी के लिए कैसे वोट जाएगा उसके लिए रात दिन संघर्ष करेंगे। जय विशाल राज, जय विशाल राज, जय बीआईपी, जय विशाल समाज, जय विशाल समाज, जय बिहार, जय बिहार, सब समाज की जय, जय विशाल। इसलिए साथियों, संकल्प कराना है, यहाँ से निकलिएगा और अपने अपने गांव जाइएगा, अपने अपने टोला में जाइएगा और गंगा जल के संकल्प कराइएगा, और अगर गंगा जल ना मिले तो तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर उनको संकल्प कराने का काम कीजिएगा और गंगा